हाय फ्रेंड्स और गुड मॉर्निंग फ्रॉम ऋषिकेश। बहुत दो तीन दिन से बारिश हो रही थी तो मैं बाहर नहीं निकली थी और अभी थोड़ी बारिश रुकी तो मुझे लगा कि वॉक पे आना चाहिए। मैं वॉक पे निकल गई हूँ, ये वॉकिंग ट्रैक है तो ऋषिकेश में बड़ा अच्छा लगता है मुझे। और आज आप लोगों से बात करना चाहती हूँ कि लाइफ की जो कुछ कड़वी सच्चाइयां हैं उसके ऊपर कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमारे साथ जन्म के साथ ही लगी हुई हैं। जैसे जन्म लिया है तो मृत्यु होगी, बीमारी होगा, बुढ़ापा होगा, इससे हम दूर नहीं हो सकते हैं। बहुत सारी ऐसी ट्रेजडी हो जाती है लाइफ में जिसको हम स्वीकार करना नहीं चाहते हैं लेकिन हमें स्वीकार करना। अभी काफी हाईलाइट हुआ एक मुद्दा अयांश का, जिसके लिए 16 करोड़ के इंजेक्शन को लगेंगे तो शायद वो बच जाए। उसमें भी मेबी है कि वो शायद बच सकता है अगर 16 करोड़ का इंजेक्शन उसको लग जाए। तो एक माँ का हृदय ऐसा होता है कि माँ को अगर कहा जाए कि आपका बच्चा शायद बच सकता है अगर आप चांद पे चले जाएं, तो शायद माँ एक उसके लिए भी प्रयास कर सकती है क्योंकि माँ अपने बच्चे से बहुत ही ज्यादा अटैच होती है। लेकिन ऐसे बहुत सारे माँ बाप हैं, ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं या ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्हें जीवन की कड़वी सच्चाइयों को झेलना पड़ता है। मैं टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल जाती हूँ, मेरी मम्मी का इलाज चलता है कैंसर का, काफ़ी दिन हो गए, वो तो सही हो गई भगवान की रहमत से। लेकिन ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे बच्चों को मैं देखती हूँ जिसके माँ बाप असहाय हैं। वो कितना भी प्यार कर लें, कुछ भी कर लें लेकिन वो अपने बच्चे की जान नहीं बचा पाते। वैसे ही कई बार आप देखिएगा लाइफ में किसी का एक्सीडेंट हो जाता है। ये कोरोना काल आया, कितने सारे बच्चे अपने माँ बाप से बिछड़ गए, तो क्या ये सारी चीजें कितनी ट्रेजडी वाली है? लेकिन ये सत्य है, ये होता है। मैं खुद ही अपने आसपास कितनी सारी चीज़ें देखती हूँ। मैं अभी कुछ दिन पहले कैंसर हॉस्पिटल में थी तो एक पिताजी थे, उसकी एक छः सात साल की बेटी थी और वो आए मेरे से मिले, बोले कि हम आपके बहुत बड़े फ़ैन हैं, ये है वो है, मैं आपसे ज़रूर आपके घर पे आऊँगा अपनी बेटी को लेके मिलने के लिए। और फिर उन्होंने बताया कि मैंने बोला कि आपकी बेटी कैसी है, क्या हो गया है उसको, तो उन्होंने बोला कि इसको कैंसर हो गया है और बहुत लास्ट स्टेज पे है। तो डॉक्टर ने बस इतना ही बोला है कि भाई हम लोगों ने तो अपना इलाज कर दिया है और बाकी अब इसकी ज़िंदगी की जो डोर है वो भगवान के ऊपर है। अब ये 2 महीने 3 महीने 4 महीने 6 महीने जितने दिन भी रहती है, या फिर अगर शायद ये ठीक हो जाए खुद से, लेकिन हम लोग इसकी सहायता नहीं कर सकते। तो ये शब्द कितने ज़्यादा कठिन हो सकते हैं एक बाप के लिए, आप समझ सकते हैं। तो मैंने देखा कि वो आए मेरे घर पे भी आए, फिर उन्होंने अपनी बच्ची के लिए कहा कि अब तो ये 2-3 महीने की मेहमान है, इसकी जो भी ख्वाहिश है मैं पूरा करूंगा, उसको बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें घुमाए। फिर उन्होंने कहा कि हम कभी एरोप्लेन में नहीं चढ़े थे लेकिन अपनी बेटी की ख्वाहिश को मैं पूरा करना चाहता हूँ। उन्होंने बेटी को एरोप्लेन पर चढ़ा के अपने घर ले गए और फिर कुछ दिन बाद उनका फ़ोन आया कि अब बेटी मेरी रही नहीं। तो ऑल्दो ये कोई नहीं चाहता है लेकिन ये फैक्ट है। कई बार ऐसे बच्चे, ऐसे लोग होते हैं जिन्हें जानलेवा बीमारी हो जाती है, उसको रोक पाना मुश्किल है। किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, मैं यही बात बताऊं, अभी कुछ दिन पहले मैंने एक न्यूज़ सुना कि 4-5 बच्चे यहाँ पे, मतलब 20-22 साल के बच्चे आए थे ऋषिकेश घूमने के लिए और गंगा में वो लोग बहुत ज़्यादा आगे निकल गए और गंगा में बह गए। तो ये लाइफ की कुछ ट्रेजडी होती है, सुनने में तो ये बहुत बुरा लगता है लेकिन कई चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया कि अगर कोई कहे कि आपकी बच्ची की या बच्चे की शायद जान बच सकती है अगर आप चांद पे चले जाएं, तो क्या ये प्रैक्टिकल है? नहीं प्रैक्टिकल। तो कई बार बहुत सारी चीज़ें, मैं खुद एक मतलब माँ तो नहीं हूँ लेकिन एक मौसी हूँ और मैं कितनी ज़्यादा अटैच्ड हूँ अपने बच्चे से मैं जानती हूँ। और डेफिनेटली ये बहुत दुखद है कोई भी, लेकिन कई बार ना चाहते हुए भी हमें
जो जीवन की कड़वी सच्चाइयां हैं उनका सामना करना पड़ता है।